हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है फिर से मेरे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं यानी रोज़ इस्तेमाल करने का आयुर्वेदिक मेडिसिन का क्या फ़ायदा है और आयुर्वेदिक मेडिसिन बॉडी के लिए क्या फ़ायदा करती है, क्या डेली इसे हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस विषय पर हम बात करने वाले हैं आज। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। जो जिस तरह की हमारी कमजोरी चल रही है शरीर के अंदर, मान लो किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम है, जो जॉइंटों की जो प्रॉब्लम, उसके लिए डेली यूज़ कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन का, ताकि वो कैल्शियम की कमी पूरी हो सके। और इसी तरह अगर किसी को अपने पेट से संबंधित कोई भी परेशानी है, उसके लिए डेली यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आयुर्वेदिक है, कोई नुकसान नहीं करेगी। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मतलब जब आपको कोई कमी हो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कोई कमज़ोरी हो, तभी उसका लगातार यूज करना है। अगर शरीर स्वस्थ है हमारा, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी डेली ना ले। अगर कोई कमी है तो उसके अंदर हम लगातार यूज कर सकते हैं। किसी को बालों से संबंधित परेशानियाँ है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का डेली यूज़ कर सकते हैं। अपनी स्किन के लिए, चेहरे की खूबसूरती के लिए डेली यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी को अगर बॉडी बनाने के लिए यूज़ करना हो तो वो भी डेली यूज़ कर सकता है। और अगर किसी को वेट लॉस करना है, अपना वज़न कम करना है, वो भी डेली यूज़ कर सकता है इस आयुर्वेदिक मेडिसिन का। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब आयुर्वेदिक मेडिसिन आप लेना स्टार्ट करो, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको परहेज ज़रूर करना है, ख़ास करके खटाई का। जैसे खटाई के अंदर, जैसे अचार हो गया, ये एकदम खट्टा आता है, नींबू हो गया, लेमन, ये खटाई के अंदर आता है। चूर्ण वगैरह होती है, अमचूर, आजकल जो हमारा खाने का जो स्टाइल बना है ना, इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर हम ये चटपटा बनाते, तो ऐसी जो खटाई है उनसे परहेज करें और साधारण खाना खाएं। और अगर बात करें हम खाने पीने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां और फ्रूट खाएं। हल्की जो हेल्थी वेजिटेबल्स है, फल है, उनका इस्तेमाल करें। और हर खाने से पहले सलाद का सेवन करें। लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, खाना खाने के बाद सलाद खाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। खाने से पहले सलाद खाना है। दोस्तों, जैसा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का आप डेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने तरीका बताया है, इन चीज़ों का जो चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, उन चीज़ों का वो चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर ऐड करें, जो बेनिफिट है उनसे वो भी बहुत बढ़िया मिलेगा। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी यूज करना है इसका। हाँ, मानते हैं किसी को बॉडी बनाना है, किसी को अपने चेहरे को खूबसूरत करना है, किसी को अपना वज़न कम करना है, तो किसी को अपने जो पेट से संबंधित जितनी बीमारियाँ उनके रिलेटेड में ये आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करते हो, तो डेली इसका यूज कर सकते हैं आप। लेकिन जब ये आपको ज़्यादा एकदम ज़रूरत हो तभी यूज करें इनका, निश्चित होके इनका सेवन कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होगा भी नहीं। आयुर्वेद के अंदर जितनी भी हर्ब्स है वो सारी नेचुरल है, उन्हीं से ये सारी चीज़ें तैयार होती है, क्योंकि आयुर्वेद की जो मेडिसिन वो सारी धीरे धीरे इसीलिए काम करती है क्योंकि उनके अंदर केमिकल की मात्रा नहीं होती है, इसलिए वो हमें फ़ायदा करती है, वो हमारी बीमारी पे काम करती है। लेकिन वो धीरे धीरे करेगी और जड़ से बीमारियों को ख़त्म कर देगी, जितनी जो भी हमारी परेशानी है उनको सारी को जड़ से ख़त्म कर देगी। तो इसलिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का डेली यूज़ कर सकते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो ज़्यादा आपको जब कोई भी बीमारी हो तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का, आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से इसी तरह एक अच्छी रेमेडी लेके, एक अच्छा वीडियो लेके। तो आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहिए।